हेल्थ प्लस प्रोग्राम च अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हैं अमृत हॉस्पिटल एंड सिद्धू टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जो कि मोगा विखे अपनी सेवावां बड़े लंबे समय तो दे रहा है। यह हॉस्पिटल मरीजों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। डॉक्टर हरजिंदर सिंह सिद्धू और डॉक्टर रणपिंदर कौर सिद्धू जी मरीजों के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। इलाके की पुरजोर मांग को देखते हुए हुण अमृत हॉस्पिटल वालों अमृतसर विखे भी सेवावां शुरू हो चुकी हैं। अमृत हॉस्पिटल वालों समय समय से मैडिकल कैंप भी लगाए जाते हैं, जिसका मरीज बाद चढ़ के लहा लेंगे। मैडम, की प्रॉब्लम सी तुहानू जो तुसी डॉक्टर पिंदर सिद्धू दे हॉस्पिटल दे सिद्धू हॉस्पिटल च आए? सर, मेरे पेन हुंदी सी, यूटरस रसौली सी बहुत वड्डी, ते इन्हां ने यूटरस बचा के मेरी रसौली कड्डी। और तुहानू मतलब जो तुसी पहलां लोगां नू दिखाया होर पासे गए तो सारे ही कहिंदे होणगे यूटरस ही निकलूगा, ते मतलब तुहानू लगदा सीगा वी मतलब मैनू एक जिहड़ा हैगा जिंदगी नहीं मिलनी, पर जिस तरीके नाल डॉक्टर रुपिंदर सिद्धू ने जो किया है वो तुम शुक्रगुजार हो। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद इन्हों का, मैंने मेरा यूटरस बचा के रसौली कड़ी, मैं बहुत खुश हाँ। तो हम तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो? हाँ जी, बहुत नॉर्मल है। भैन जी, कितनी देर हो गई सी तुहाडी मैरिज नूं और किवें जिहड़ा हैगा इस हॉस्पिटल तुसी पहुंचे? साडी मैरिज नूं जी 10 साल हो गई, सानूं कितों नहीं कोई फर्क पिया दवाई, असीं बहुत हस्पतालां च दवाई खाई, इत्थों आ के सानूं फर्क पै गया। मतलब इतों आके की फर्क पाया, मतलब इतों आके तुहानूं परमात्मा की जिहड़ी तुहाडे मन विच इच्छा सीगी संतान सुख की प्राप्ति की, वह मतलब जिहड़ी पॉजिटिव हो गई और तुहाडा मन पूरा खुश हैगा इस गल लई? हाँ जी, हाँ जी, असीं बहुत खुश हाँ जी, इतों साडी महाराज ने सुन ली वधिया, इस हस्पताल चा के सानूं वधिया आराम आ गया जी। भैन जी, हुण किन्नी देर की प्रैगनेंसी है? 2.5 महीने की है। तो पूरे खुश हो तुसीं? हाँ जी, हाँ जी। साई टीम ने डॉक्टर रणपिंदर कौर सिद्धू जी ने गलबात की, जो कि बांचपन के मरीजों के लिए एक वरदान ने अते इनफर्टिलिटी IVF स्पैशलिस्ट ने। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल से तुहाडा स्वागत है, जैसे आए हैं अमृत हॉस्पिटल एंड सिद्धू इनफर्टिलिटी सेंटर, जिहड़ा कि नाम इनफर्टिलिटी सेंटर लेकिन है फर्टिलिटी सेंटर। डॉक्टर साहब, स्वागत है तुहाडा साडे स्पैशल शो च। थैंक यू रिची जी। डॉक्टर साहब, आफ्टर ग्रेट सक्सैस इन मोगा एरिया और जदों इतों के पेशेंट जोड़े है अमृतसर और दूर दूर के इतने आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, डॉक्टर साहब प्लीज़ तुम साड़िया विजिटा करो अमृतसर, और उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए तुम अमृतसर भी एक बहुत वधिया जो सेंटर लोगों को दिता, और जिस दिन से तुम आए हो पिछे मुड़ के नहीं देखे, बहुत सारे जोड़े केस है बहुत सारे जोड़े IVF के बैचिस सक्सैसफुली कंपाइल हुए आ, की कहना चाहोगे? ये बिल्कुल सच है रिची जी, अमृतसर शहर के नाल मैनू वैसे भी बहुत लगन है, क्योंकि इत्थे ही मैं अपनी MBBS एंड MD MS की है, सो आई रियली लव दिस सिटी, और इतों के काफ़ी सारे पेशेंट्स साडे कोलों IVF करवाण आंदे सन, ते काफ़ी सारे पेशेंट्स नू सफलता भी हासिल हुई, और लोगों के कहन ते कि डॉक्टर साहब तुसी एक सैटअप अमृतसर दे विच भी खोलो, एक ब्रांच खोलो, असी उन्हां दे कहन ते उन्हां दी मनोकामना पूरी की है, और मैनू बहुत ही अच्छा लग रहा है इत्थे काम करके, बहुत अच्छे लोग ने, बहुत ही अच्छे पेशेंट्स मिल रहे ने, बड़ा वधिया लग रहा है। जैसे की कहना चाहोगे कि थोड़ा जो रुझान आ पेशेंट्स के नाल कला IVF ही नहीं है, वो नाल नाल अगर आप गल कर लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की गल कर लिए, क्योंकि जिस तरीके महारत हासिल की है, असी मोगे भी देखा सीगा भी एक पेशेंट जिन्हों तकरीबन जवाब मिल चुका, उस पेशेंट की भी तुम जोड़ा है अंदर ऐसिया मतलब क्रिएशनस की कि वह बच जोड़ा अज संतान सुख की प्राप्ति भी कर गए और उन्होंने अंदर वो जड़िया प्रॉब्लम सारिया दूर हो गई। रिची जी, हाँ जी, मैं एक IVF स्पैशलिस्ट भी हाँ तो लैप्रोगाइनी सर्जन भी हाँ, सर्जरी दे विच मेरा खास इंटरेस्ट है, और ये दोनों चीज़ा पैरलल चल दिया हन, क्योंकि काफ़ी सारिया प्रॉब्लम्स बांझपन के मरीजों के होंदिया हन जिहड़ियां के सर्जिकल करैक्शनस दे नाल जे आपां ठीक कर दईए तो सानूं IVF दे रिजल्ट जिहड़े है वह बैटर मिलते ने, सो मैं हिस्टेरोस्कोपी डायग्नोस्टिक एंड ऑपरेटिव सारिया करती हाँ,
सारे हिस्टेरोस्कोपिक ऑपरेशन जिस तरह के पॉलिप्स रिमूव करने, कोई सेप्टम या पर्दे नू ठीक करना, या कोई बंद ट्यूबा नू खोलना, या कोई अंदरली तह की प्रॉब्लम होवे उसनू ठीक करना, या अंडेदानियां दीआं रसौलियां दे ऑपरेशन करना, या बच्चेदानी दीआं रसौलियां दे ऑपरेशन करना आदि, ये सारिया प्रॉब्लम्स नू हैंडल करदी आ। और आई थिंक ये हैंडल करन दे नाल साडे रिजल्ट्स काफ़ी हद तक बैटर हो जाते हैं। की कहना चाहोगे कि कल्ला IVF ही नहीं, उस तो बाद विच उनू अंजाम तक पहुँचाना, क्योंकि तुसी अपने लंबे कैरियर दे विच हज़ारों की गिनती संतान सुख की प्राप्ति लोगों को करा चुके हो, और जो एक बार कंसीव कर जाते हैं उस बाद भी तुसी जिस तरीके उन्होंने एज ए गैनकोलोजिस्ट, एज ए हाई रिस्क प्रैगनेंसी के स्पैशलिस्ट डॉक्टर होने के नाते की कहना चाहोगे कि वह प्रैगनेंसी कला IVF ही नहीं, वो बाद कंसीव करने बाद जो पीरियड है क्रूशल पीरियड जिद क्योंकि उन्होंने बड़े औखे मतलब जो है कंसीव किया हों, जिदा तुम गाइड करते हो और अपनी सुपरविजन के थले, चाहे वह अपने पिंड शहर चले जाते हैं, उन्होंने गैनकोलोजिस्ट तुसी गाइड करके उन्होंने जी संतान सुख तक लैके जाते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया है रिचि जी, तुम IVF एक बार करता इतने ही गल खत्म नहीं होंगी, उस तो बाद जेड़ा असी उन्हां दी पेशेंट दी केयर करनी है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हुंदी है, क्योंकि जे असी वो केयर प्रॉपर करांगे तां ही बच्चा पूरे समय तक जाएगा ते नॉर्मल टाइम तक डिलीवरी होएगी। सो पेशेंट्स नू प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देनियां पैंदियां हन, उन्हां दे कॉन्टैक्ट दे विच रहना पैंदा है, उन्होंने ये भी समझाना पैंदा है कि कोई भी प्रॉब्लम होवे एनी टाइम तुसी डॉक्टर नू डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। मेरे पेशेंट्स डायरेक्टली मैनू एनी टाइम, चाहे मैं रात का टाइम है दिन का टाइम है, मेरे नाल गलबात करते हैं, कोई प्रॉब्लम हुंदी है तो उन्हों का सुझाव असी उन्होंने दसते हाँ, जेकर उत्थे हो सकता है तो उत्थे किसी डॉक्टर नू दस के, और जे जरूरत पवे तो अपने सेंटर ते असी बुला के उन्हों का प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हाँ। कई बार ब्लीडिंग हो जाती है उसनू कंट्रोल करना पैंदा है, कई बार पेन स्टार्ट हो जाती हैं उन्होंने कंट्रोल करना पैंदा है। सो कंप्लीट बैड रेस्ट, कंप्लीट मेडिकेशन, सब कुछ देखना पैंदा है कि पेशेंट ने कोई मेडिसिन तो नहीं मिस की, सारे इंजेक्शन्स जो असी प्रिस्क्राइब किए हैं वो ले रहे हैं कि नहीं, जो जो चीज़ा नहीं खानिया, जो जो परहेज़ हैं वो पेशेंट फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये टाइम टू टाइम वो बहुत ही जरूरी है उन्होंने नाल वार्तालाप करते रहना। सो इस तरह ही असी उन्होंने केस नू एंड तक लैके जा सकते हाँ टूवर्ड्स कंप्लीट सक्सैस। दर्शकों आप हमेशा बने रहने डॉक्टर रणपिंदर जी के नाल, और ये अपने चैनल पर लोगों जिदा जिन्होंने गाइड किया अवेयरनैस देंदे रहेंगे ने। दसो थोड़ा सानू समा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रिची जी, थैंक यू एवरीबडी।